हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस मेड इजी। आई होप आप सब अपने अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। सो एक्चुअली आज से ना हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अपन साइंस के सारे लेक्चर्स पढ़ेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और सीक्वेंस से पढ़ेंगे। जो जो टॉपिक्स एग्जाम्स में आते हैं या पॉइंट ऑफ उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे टॉपिक्स को हम लोग सीरियसली सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। वो भले ही बायोलॉजी के हों, फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री के हों। तो वैसे ही उसी सीरीज का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के बहुत सारी हाइपोथेसिस हमने सुनी है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी है। तो उनमें से सबसे ज्यादा अच्छी हाइपोथेसिस जो हमेशा से मानी गई है, वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, हमेशा से इस हाइपोथेसिस को बहुत अच्छा माना है, लाइक सही माना है। एग्जैक्ट देखो, हाइपोथेसिस है तो एग्जैक्टली सही तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ काफी हद तक सही है। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये कहा गया है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विस्फोट हुआ था। ठीक है, एक बिग बैंग, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ठीक, एक विस्फोट हुआ था जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। उस विस्फोट के 10.5 अरब वर्ष बाद हमारा सोलर सिस्टम बना, सौर मंडल बना। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व ज्वलित गैसीय पिंड से हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, 4.6 अरब वर्ष पूर्व किससे हुई थी, ज्वलित गैसीय पिंड के द्वारा हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, एजोइक एरा 0.6 अरब वर्ष पूर्व गैसेस बॉडी के ऊपर अर्थ क्रस्ट बना। ठीक है, आज से 0.6 अरब वर्ष पूर्व हमारी जो गैसेस बॉडी थी, हमारा अर्थ पहले ऐसे सॉलिड फॉर्म में नहीं था, पहले ये गैसेस फॉर्म में था। ठीक है, उस वक्त क्या हुआ वहाँ पे, आज से 0.6 अरब वर्ष पूर्व उस गैसेस बॉडी के ऊपर अर्थ क्रस्ट बनना स्टार्ट हुआ, यानी कि जमीन बनना स्टार्ट हुई, जिसे हम लोग भूपटल बोलते हैं। इस इरा को अपन बोलते हैं एजोइक इरा। ठीक है, उसके बाद है हमारा जोइक इरा, अर्थ क्रस्ट फॉर्मेशन से लेकर के आज तक का टाइम। ठीक है, अर्थ का क्रस्ट बना तब, और तब से लेकर के आज तक कितनी सारी चीजें बनी है ना, मतलब मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। इतनी सारी चीजें बनी, इतने सारे नए नए ऑर्गेनिज्म बने, प्लांट्स बने, ये मतलब छोटे छोटे वायरसेस बने, बैक्टीरिया बने, प्रायोन्स बने, बहुत सारी चीजें बनी। ठीक है, तो वो जो पूरा टाइम पीरियड है तब से लेकर के अब तक का, ये जो पूरा इरा जो होता है, उस इरा का नाम है जोइक इरा। ओके, उसके बाद है हमारा आर्के जोइक इरा, प्राइमल ओशन यानी कि आदि महासागर में सबसे पहले लाइफ आई थी। ये तो हमेशा से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सबसे पहले जो लाइफ आई वो पानी में आई। ठीक है, तो वही जो लाइफ है, मतलब वो जो इरा है प्राइमल ओशन में आदि महासागर में लाइफ बनने का जो इरा है, जो टाइम है, उसे अपन बोलते हैं आर्के जोइक इरा। ओके, उसके बाद दिस पर्सपेक्टिव वाज एक्सप्लेन बाय ए आर ओपेरिन इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ इन 1924। इस पर्सपेक्टिव को, इस बात को हमारे एक साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट ए आर ओपेरिन ने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में एक्सप्लेन किया। कब? 1924 में उन्होंने ये जो पूरा मतलब सीक्वेंस था इरा विरा वाला, जोइक इरा, एजोइक इरा, आर्के जोइक इरा, और वहाँ पे कैसे केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे अर्थ का कैसे लाइफ आई, वहाँ पे एक लाइफ आई, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में एक्सप्लेन किया। दिस हाइपोथेसिस शोज दैट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज रिजल्टेंट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। और जो उनकी हाइपोथेसिस थी, उन्होंने उनकी बुक में जो उनकी हाइपोथेसिस थी, या जो हमारी बिग बैंग थ्योरी, दोनों एक ही बात बोलते हैं, उन्होंने यही बताया कि जो लाइफ ओरिजिन हुई, ये किसके रिजल्टेंट हुई, केमिकल इवोल्यूशन के रिजल्टेंट हुई। क्योंकि
यानी कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ, नए नए केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, एक से दूसरे केमिकल्स बने, उन्होंने पॉलीमर्स बनाए, ऐड हुए एंड नए नए केमिकल्स बनाए और कंपाउंड्स बनाए, जिसके रिजल्टेंट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ओके, फिर अगला पॉइंट है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा एटम्स वर प्रेजेंट यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। उनकी बुक में ये भी बताया गया कि उस एटमॉस्फेयर में उस टाइम पे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस इस टाइप के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट थे, इस टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, जो कि किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में क्या है, जीव द्रव, यानी कि सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, फिर है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग, अच्छा अपचायक और ऑक्सीकारक, ये दोनों चीजें तो आप लोग को पता होगा ना, तो वही चीज है प्रिमिट, अगर नहीं पता तो केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में कवर करेंगे। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग बिकॉज फ्री ऑक्सीजन एटम वो एब्सेंट। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर यानी कि उस समय का आदि काल का जो वातावरण था, आदि वातावरण जो था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था, अपचायक था। वहाँ क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन के एक भी फ्री एटम नहीं थे। स्टार्टिंग में जितने भी ऑक्सीजन के फ्री एटम थे वो सब उन सब ने क्या किया, हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर के पानी बना लिया। अब वहाँ पे एक भी फ्री ऑक्सीजन एटम नहीं है, जिसके कारण वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा हो गया था, रिड्यूसिंग हो गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर आल्सो देयर, जैसे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड, मीथेन, शुगर। उस टाइम पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे, जैसे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड, मीथेन, शुगर। अमीनो एसिड क्या है, होता है प्रोटीन की यूनिट होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन की यूनिट है, यानी कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर के ही बनते हैं। ठीक है, ओके, फॉर ऑल दिस रिएक्शन एनर्जी वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम कॉस्मिक एंड यूवी रेज। ये देखिए ऑब्वियस सी बात है, इतनी केमिकल रिएक्शंस हुई, कुछ नहीं था, एक गैसियस बॉडी थी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे अर्थ क्रस्ट बना और बहुत सारे केमिकल्स बने, तो इन सब रिएक्शंस के लिए कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए ही होगी ना, तो वो एनर्जी कहाँ से मिली इनको, कॉस्मिक और यूवी रेज से मिली। ओके, कॉस्मिक और यूवी रेज से मिली, और कॉस्मिक और यूवी रेस कहाँ से आती हैं, ऑब्वियसली हमारे सन से। ठीक है, फिर अगले साइंटिस्ट एक आए हमारे, स्टेनली मिलर, मिलर मिलर सॉरी स्टेनली मिलर। ठीक है, ओपेरन हाइपोथेसिस को बेस लेते हुए लैब में प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया व ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। देखो स्टेनली मिलर का एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है, और उसको मतलब उसके जो बहुत डिटेल क्वेश्चन है उतने डिटेल क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, 7-8 स्टेप्स हैं उसमें। अगर आप लोग को स्टेनली मिलर का डिटेल एक्सपेरिमेंट पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो भी उसका भी वीडियो बनाया जाएगा अगर आपको पढ़ना है तो, अदरवाइज उनके नाम से काम चल जाएगा। स्टेनली मिलर ने क्या किया था, एग्जैक्टली सेम एटमोसफियर जैसा कि उस टाइम पे था, प्रिमिटिव एटमोसफियर था, एग्जैक्टली वही एटमोसफियर अपने लैब में बनाया। ठीक है, वही रिएक्शन दी, सब कुछ वैसे ही माहौल बनाया, और उसके रिजल्टेंट उन्होंने देखा कि वही सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिजल्टेंट बन के आए जो हमारे ओपेरिन साहब ने बताए थे। ठीक है, स्टेनली मिलर ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने लास्ट में एक लिक्विड मिला, उस लिक्विड में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिक्स थे, मिक्सचर था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो लिक्विड, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही कंपाउंड्स थे जो हमारे ओपेरिन सर ने बताए थे, जैसे कि हमारा अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इतना इनका नाम हमें ध्यान रखना है, स्टेनली मिलर ही थे जिन्होंने ओपेरिन हाइपोथेसिस को बेस लेते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया था। फिर अभी हम लोग को यहाँ पे ये देखना है या इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, कि चीज़ें कैसे बनी। तो सबसे पहले ये एक शॉर्ट नोट, एक फ्लो चार्ट के जैसा है, सिंपल सा, इसको देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले पॉलीमर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे ना वो सब मोनोमर्स थे, यानी कि एक लग थे, उनका क्या बना, उनका हुआ पॉलीमराइजेशन हुआ और पॉलीमर्स बने, जैसे कि स्टार्च बना, ग्लाइकोजन बना, सेल्यूलोज बना। ग्लूकोज गलती से लिख गया, क्योंकि ग्लूकोज पॉलीमर नहीं, ग्लूकोज खुद में एक मोनोमर है। ठीक है, ग्लूकोज यानी कि शुगर। ओके, फिर
इन मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का, ठीक, जिसके थ्रू बना न्यूक्लियर प्रोटीन, जो जिनके पास पावर था किस चीज़ का, सेल्फ डुप्लीकेशन करने का, ठीक है। प्रोटीन बने जिसके पास पावर था हमारा सेल्फ डुप्लीकेशन, यानी कि अपनी कॉपी बना लेने का। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोटीन का और डेवलपमेंट हुआ, जिससे बने प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब भी साइटोलॉजी पढ़ेंगे, जब साइटोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा, तब हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ठीक है। बट अभी के लिए समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि साइनो बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। तो उससे क्या बने हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बने। उसके बाद प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ तो बने हमारे यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हम सब यूकैरियोटिक ही हैं। अब देखिए यूकैरियोटिक में हमारे प्लांट्स भी बनेंगे, भले ही पहले ज़्यादा डेवलप प्लांट्स नहीं बने थे, कम डेवलप प्लांट्स बने थे, लेकिन प्लांट्स तो बने थे ना। और प्लांट्स बने थे मतलब उनमें क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। उनके फोटोसिंथेसिस करने के कारण, उनके फोटोसिंथेसिस करने के कारण क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन आ गई, जिसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया वो कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट था, उसके कारण उन्होंने उस क्लोरोफिल की हेल्प से उन्होंने फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस करने से एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन आया, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। इस प्रोसेस को या इस रिवॉल्यूशन को, यानी कि एटमॉस्फेयर का रिडक्शन, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में चेंज करने का जो रिवॉल्यूशन है, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन, ओके। उसके बाद इसमें एक लास्ट पॉइंट ये भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल सिंथेसिस ऑफ लाइफ, केमिकल सिंथेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि जो पूरी थ्योरी है इसको हम लोग केमिकल सिंथेसिस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ओके गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। थैंक यू सो मच।